और इसकी जो कैपेसिटी है लगभग 7000 मैट्रिक टन की है। तो ये GI पाइप का कंडेंसर बन रहा है, वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है तीसरे चैम्बर का, और 14 चैम्बर का भी उसी तरह काम चल रहा है। और तीनों कंप्रेसर्स अपने जगह पर स्थापित हो गए हैं। और यहाँ ये है KC-X4, इसका भी अंदर देख सकते हैं कि सफाई हो चुका है, और देख सकते हैं कि प्लांट अभी चल रहा है, प्लांट स्टार्ट हो चुका है। तो दोस्तों हम आ चुके हैं चैम्बर के अंदर में, आपको सुनाई दे रहा होगा, और अंदर का काम पूरी तरह सफाई से कंप्लीट हो चुका है। नमस्कार दोस्तों, मैं आया हूँ एक नया कोल्ड स्टोरेज बन रहा है वहाँ पर, और देख सकते हैं कि इसका जो काम है ये शुरुआती स्टेज में है। थर्मोकोल का काम अभी चल रहा है, इंसुलेशन का काम चल रहा है, साथ में यहाँ यूनिट जो लगा है इवेपोरेटर, तो ये कंप्लीट हो चुका है, इसका कनेक्शन भी हो चुका है। ठीक है, यहाँ स्टार कूलर्स का इवेपोरेटर लगा हुआ है। तो इस चैम्बर में 4 इवेपोरेटर लगे हुए हैं, और ये 4 चैम्बर का स्टोरेज है, और इसकी जो कैपेसिटी है लगभग 7000 मैट्रिक टन की है, तो लगभग 1,40,000 पैकेट के आसपास आ सकता है इसमें। ठीक है, तो ये कैपेसिटी इसकी है, और 4 चैम्बर इसमें है। तो देख सकते हैं कि इसका जो क्रेट का काम हो चुका है, थर्मोकोल रखे हुए हैं, और अभी काम शुरुआती स्टेज में है। यहाँ पर इंसुलेशन का काम चल रहा है, खिड़कियाँ अभी नहीं लगी है, और इसमें का कनेक्शन आपको दिखा देता हूँ। यहाँ देख सकते हैं कि काम हो रहा है दोस्तों, आपको दिखाता हूँ। सेक्शन का है, और आपको नीचे भी दिखाऊंगा मशीन रूम की तरफ, आपको यहाँ बाहर का बैकग्राउंड दिखा देता हूँ कैसा है। और दोस्तों इस स्टोरेज का जो अभी का करंट कैपेसिटी जो है ये 1,40,000 के आसपास होगा, या उससे थोड़ा सा कम पकड़ेगा, जिसे 1,35,000 के आसपास आ सकता है। लेकिन दोस्तों इस स्टोरेज को एक्सपेंड किया जाएगा और बढ़ाया जाएगा, और इसकी कैपेसिटी और ज़्यादा होगी, और 2 चैम्बर और बढ़ाया जाएगा, जिसकी कुल कैपेसिटी दोनों का होगा लगभग 60,000 के आसपास हो सकता है। तो इसके लिए कंप्रेसर्स कितने लगेंगे, ये सभी इसके बारे में पूरा डिटेल मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, और काम इसमें चल रहा है, आवाज़ भी आपको आ रहा है। यहाँ भी इधर सभी का कनेक्शन हो चुका है, और नीचे जाकर देख सकते हैं कि इसका लाइन भी सभी का कनेक्ट कर दिया गया है, और ऊपर इसका जो सक्शन लिक्विड का जो लाइन है, ये लाइन भी यहाँ कंप्लीट हो चुका है इस चैम्बर का। तो यहाँ देख सकते हैं कि ये दूसरे चैम्बर में गया है, जो कि मशीन रूम में जाएगा, और ये जो दूसरा चैम्बर है इसका भी सेम उसी तरह का है, लेकिन इसमें थर्मोकोल का काम नहीं हुआ है, अभी इंसुलेशन का काम चल रहा है, और इसमें भी 4 इवेपोरेटर लग गए हैं, और इसका कनेक्शन भी हो चुका है। ठीक है, यहाँ देखते हैं कि अभी केवल दीवारों में जो इंसुलेशन का काम इधर हुआ है और इस साइड में नहीं हुआ है, तो ये काम चल रहा है, ऊपर बिल्कुल ही खुला है। आगे का जो ऊपर का जो छत है वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है तीसरे चैम्बर का, और 14 चैम्बर का भी उसी तरह काम चल रहा है। और यहाँ इस चैम्बर का जो सभी का कनेक्शन है इवेपोरेटर का, ये कंप्लीट हो चुका है, दिखा देता हूँ आपको। उसी तरह इधर भी है, चारों इवेपोरेटर का कंप्लीट हो चुका है। तो इसका काम यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है, चारों इवेपोरेटर दोनों चैम्बर में लग गए हैं। यहाँ आपको दिखाता हूँ, काफ़ी नीचे शोरगुल हो रहा है बहुत ज़्यादा, क्योंकि इंसुलेशन का काम हो रहा है साथ में, और कुछ दीवारों को चिपिंग किया जा रहा है, तो इसमें आवाज़ काफ़ी आ रहा है। साथ में वायरिंग का भी काम शुरू हो चुका है, इसमें आपको दिखा देता हूँ, और यहाँ से इसका नीचे जाने के लिए जो स्टेप है यहाँ से है, लैडर जो है यहाँ से लगा हुआ है, और ये काफ़ी स्मूथ है, बढ़िया है, बढ़िया से आदमी उतर सकता है इसमें। यहाँ देखते हैं कि थर्मोकोल का काम चल रहा है, इंसुलेशन का काम चल रहा है,
दोस्तों इसका मैं फुल वीडियो आपको बनाऊंगा। यहाँ देखते हैं कि ये है कंपाउंड और यहाँ आइसोलेशन का काम चल रहा है। तो इसमें क्या क्या लगेगा, 7000 मैट्रिक टन की कैपेसिटी है इसकी, और इसमें कितने मशीन लगेंगे, कंप्रेसर्स लगेंगे, किस तरह का काम होगा, ये सारा चीज़ मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। सो दोस्तों इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। मैं आपको नीचे लेकर चलता हूँ, मशीन में भी लेकर चलूँगा, वहाँ पर कितना काम हो चुका है मैं ये दिखाऊँगा आपको। यहाँ देखते हैं कि इसमें लगभग काम हो चुका है, अंधेरा है काफ़ी। ये पानी लाइन देख लीजिए, यहाँ से लगभग 1 फीट ढाल है इसका, काफी अंधेरा है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था उसमें, लाइट की कमी है। और ये जो है ये पाइपलाइन पानी का जा रहा है। और यहाँ भी लगभग 1 फीट का ढाल है, इसका ज्वाइंट अभी नहीं हुआ है, कनेक्शन लाकर छोड़ा हुआ है। ठीक है दोस्तों, चलिए मैं नीचे आपको दिखाता हूँ कि नीचे कौन कौन से कंप्रेसर मशीन में लगे हुए हैं, कितना काम हुआ है, कंडेंसर का काम हुआ है कि नहीं, ये भी हम देख लेते हैं। चलिए दोस्तों नीचे चलते हैं। लगभग ये 5 फ्लोर है, ठीक है, नीचे एक ग्राउंड भी है जो हम लोग आम भाषा में 0 बोलते हैं। चलिए मैं इसको भी दिखा देता हूँ। तो ये शुरुआती स्टेज में है इसका काम, और आप देख सकते हैं कि नीचे ये जो पर्सन है ये प्लेन का है, प्लेन फ्लोर है, तो ये प्लेन है। और नीचे यहाँ देख सकते हैं कि ये है 0 जो ग्राउंड में जा रहा है, ज़मीन के अंदर में है। तो इसकी ऊंचाई लगभग 10 फीट होगी, इसकी ऊंचाई 10 फीट होगी, और इसका जो फाउंडेशन दिख रहा है आपको वहाँ से इसका क्रेट रहेगा, तो लगभग 8 से 9 फीट ऊंचाई होगी इसकी। अब हम चलते हैं मशीन रूम की तरफ। तो दोस्तों ये है मशीन रूम और वो है कंडेंसर। तो अभी तक सेंटरिंग लगा हुआ है और ऊपर का ढलाई हो चुका है। अब हम चलते हैं मशीन रूम के अंदर। तो दोस्तों देख सकते हैं कि अंदर 3 फाउंडेशन आपको दिख रहे होंगे, और वहाँ रिसीवर रहेगा, और यहाँ 3 फाउंडेशन कंप्रेसर्स के लिए दिया गया है, यहाँ पर 6, 4 और 3। तो यहाँ 3 कंप्रेसर्स लगेंगे, और यहाँ जो खाली जगह दिख रहा है यहाँ पर एलपीआर होगा, लिक्विड पंप, तो यहाँ लिक्विड पंप भी लगेगा। और अंदर का काम बिल्कुल ही नहीं हुआ है, और यहाँ एक दरवाज़ा है और वहाँ पर एक दरवाज़ा होगा, बाकी सब विंडो है। और यहाँ देख सकते हैं कि कंडेंसर के साइड में 2 खिड़कियाँ लगी है जहाँ से कंडेंसर को आसानी से देखा जा सकता है, और यहाँ पर एक छोटा सा गेट है जहाँ से हम कंडेंसर की तरफ जा सकते हैं। और ये है कंडेंसर। तो कंडेंसर दोस्तों ग्राउंड लेवल से लगभग 8-9 फीट ऊँचा है, और ये ज़मीन के अंदर नहीं है, पहले ज़मीन के अंदर बनता था। और देख सकते हैं अंदर कि ये 2-2.5 फीट गहरा होगा, ज़्यादा गहरा नहीं है, और यहाँ से ऊंचाई इसकी लगभग 8-9 फीट होगा। तो ये ग्राउंड लेवल से 8-9 फीट ऊंचा है, और कंडेंसर की ऊंचाई जो है ये 12 से 15 फीट हो सकता है, अगर ऊंचाई ज़्यादा रहता है तो एयर सर्कुलेशन आसानी से होता है और पानी ठंडा रहता है। तो ये सेंटरिंग अभी हुआ ही है, सेंटरिंग खुला नहीं है। देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पर कंप्रेसर्स आ गए हैं। तो यहाँ ये कंप्रेसर, 3 कंप्रेसर्स आ गए हैं, ये है 6 और ये है 4 और ये है 3। तो 3 कंप्रेसर्स यहाँ लगेंगे, तो 3 कंप्रेसर्स आ चुके हैं, और बाकी इसके साथ में जो भी कंपोनेंट्स आते हैं वो सभी आ चुके हैं, जैसे प्रेशर डिफरेंशियल बोर्ड, मोटर्स। आपको दिखाता हूँ दोस्तों कि कौन कौन से कंप्रेसर्स हैं और कौन से सीरीज का आया हुआ है। तो यहाँ देख सकते हैं दोस्तों कि ये है KCX 4, तो यहाँ KCX सीरीज का कंप्रेसर लगेगा,
तो इसमें वाटर जैकेट नहीं होता बाकी कंप्रेसर की तरह, तो बिना पानी का ये चलेगा। ठीक है दोस्तों, और ये है KCX6, देख सकते हैं सिंगल स्टेज। तो यहाँ KC4, KCX4 और KCX3, वो है KCX3। तो ये तीन कंप्रेसर यहाँ पर आया हुआ है और ये सभी रखे हुए हैं और ये काफ़ी अच्छे हैं, इसमें पानी का कनेक्शन नहीं होगा। और यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि कंडेंसर का काम हो रहा है, तो ये GI पाइप का कंडेंसर बन रहा है। तो आजकल GI का कंडेंसर इसलिए बन रहा है कि इसमें जंग बहुत कम लगता है, साथ में स्केल भी कम आता है और ये जल्दी ख़राब नहीं होते। वैसे तो पाइप वही होता है, केवल इसके ऊपर गैल्वेनाइज किया होता है, एक जिंक का कोट चढ़ा होता है, जिस कारण से ये जल्दी ख़राब नहीं होते, तो ये काफ़ी अच्छा होता है दोस्तों। तो सभी पाइप्स आ गए हैं और कंडेंसर का काम जोरों शोरों से चल रहा है, वेल्डिंग का काम चल रहा है। और देख सकते हैं कि 3-3-6 लगभग 18 कंडेंसर तैयार हो चुका है और टोटल लगभग दोस्तों 27 कंडेंसर बनेगा। तो यहाँ टोटल 27 कंडेंसर लगेंगे। और दोस्तों बाहर का भी कुछ इस प्रकार है और वहाँ कंडेंसर है और चैम्बर जो है इधर को बढ़ेगा, 2 चैम्बर और बढ़ेगा। अभी मशीन रूम का काम बिल्कुल ही नहीं हुआ है, फाउंडेशन बन गया है, रिसीवर का फाउंडेशन बन गया है, अभी अंदर कुछ भी काम नहीं हुआ है। देख सकते हैं दोस्तों कि हम हैं मशीन रूम में और अभी यहाँ पर कंप्रेसर के फाउंडेशन जो बना है उसका डायमेंशन मापा जा रहा है। इसके ऊपर एक प्लेट रहेगा जिसके ऊपर कंप्रेसर को स्थापित किया जाएगा, तो उस प्लेट में होल करने के लिए जिसमें फाउंडेशन बोल्ट लटकाया जाएगा उसका होल करने के लिए यहाँ इसके डायमेंशन को मापा जा रहा है। तो 6 वाले कंप्रेसर का हो गया है, ये है 4, इसके ऊपर 4 कंप्रेसर लगेगा। 23 और ये है 3, तो यहाँ 3 के लिए मापा जा रहा है। तो ये है इसका प्लेट, तो इसको माप कर इसमें होल होगा फाउंडेशन बोल्ट लटकाने के लिए। ठीक है, और यहाँ पर कंडेंसर बन रहा है। तो इतना काम हो चुका है, जैसे जैसे काम बढ़ेगा वैसे वैसे मैं आपके लिए वीडियो लाता रहूँगा। नमस्कार दोस्तों, दोस्तों देख सकते हैं कि हम हैं मशीन रूम के बाहर और ये जो है ये कंडेंसर है। तो कंडेंसर का काम पूरी तरह कंप्लीट हो चुका है, पूरे कनेक्शन हो चुका है और इसमें पानी भी डाला जा चुका है। अब हम चलते हैं मशीन रूम के अंदर। तो देख सकते हैं दोस्तों कि मशीन रूम में पूरी तरह काम हो चुका है, पूरे इरेक्शन का काम है जो कंप्लीट हो चुका है और तीनों कंप्रेसर्स अपने जगह पर स्थापित हो गए हैं। LPR भी लग गया है और साथ में रिसीवर जो है ये भी लग चुका है और इसका कनेक्शन भी हो चुका है। तो ये पूरी तरह ओके है प्लांट का काम, और पूरे प्लांट का काम बिल्कुल ही कंप्लीट हो चुका है। यहाँ देख सकते हैं कि ये है KCX6 जो 6 सिलेंडर का है, और ये जो है ये KCX4 है जो 4 सिलेंडर का है, और ये जो है KCX3 जो 3 सिलेंडर का है। तो इसमें 3 कंप्रेसर्स लगे हैं और यहाँ देख सकते हैं कि ये है पैनल बोर्ड, इलेक्ट्रिक पैनल बोर्ड जो पूरे प्लांट का इलेक्ट्रिक कनेक्शन यहाँ से होता है, कंट्रोल होता है। स्टार्टर्स सभी स्टार्टर्स यहीं पर लगा है और हर चीज़ का, हर इक्विपमेंट का कनेक्शन यहीं से हुआ है। यहाँ देखते हैं कि LPR सिस्टम पूरी सफाई से काम हुआ है इसका, और यह है KCS6 जो 6 सिलेंडर का है, आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ वाटर जैकेट नहीं होता इसमें, तो पानी का कनेक्शन नहीं होता। ये काफ़ी अच्छे हैं दोस्तों कि पानी का कनेक्शन नहीं होता, कई बार वाटर जैकेट जाम भी होते रहते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगा, बशर्ते कि आप हवा इसे ना भरें। अगर हवा भरते हैं तो फिर दिक्कत होता है क्योंकि ये गर्म हो जाता है। तो दोस्तों देख सकते हैं कि तीनों कंप्रेसर्स यहाँ पर स्थापित हो चुके हैं, मोटर भी लग चुका है। अब दोस्तों जब कंप्रेसर जो नया कंप्रेसर होता है उसके अंदर जो ऑयल दिया होता है जो कंप्रेसर के अंदरूनी पार्ट्स को जंग लगने से बचाता है, उसे निकाल कर देख सकते हैं कि सफाई हो रहा है, और सफाई करके नया तेल इसमें कंप्रेसर ऑयल डाला जाएगा
और इसे आज स्टार्ट किया जाएगा। देख सकते हैं दोस्तों कि ये पूरी तरह क्लीन हो चुका है, ये K63 है, तो अंदर की सफाई हो चुका है। अब इसमें ऑयल डाला जाएगा, आपको दिखा देता हूँ। तो देख सकते हैं पूरी तरह क्लीन हो चुका है अंदर, तो इसमें ऑयल डाला जाएगा। ये है ऑयल जो क्लिस्कर रिकमेंड करता है, क्लिस्कर केयर। तो इसमें नया ऑयल डाला जाएगा कंप्रेसर का। और यहाँ ये है K64, इसका भी अंदर देख सकते हैं कि सफाई हो चुका है और पूरी तरह क्लीन हो चुका है। अंदर का जो चैम्बर है इसमें भी ऑयल डाला जाएगा, उसी तरह K66 का भी सफाई हो चुका है। तो सभी में ऑयल डालकर आज ऑयल जो लेयर है पंप का वो पकड़ाया जाएगा। तो देखते हैं कि ऑयल डाला जा रहा है। अब दोस्तों ऑयल डाला जा चुका है, अब इसके जो साइड कवर है जो खुला हुआ था उसे टाइट किया जा रहा है। तो टाइट करके दोस्तों इसमें ऑयल पकड़ाया जाएगा इसके पंप का जो कंप्रेसर है। तो सारा काम ओके हो चुका है, अब इसमें ऑयल डाल दिया गया है इसके पंप में। अब इसे स्टार्ट करके और इसको चेक किया जाएगा और इसे वर्किंग कंडीशन में लाया जाएगा। तो अब इसे हम चालू करेंगे। हाँ जी, खोल दिया। तो कंप्रेसर का वाल्व चेक करना ज़रूरी होता है, जो कंप्रेसर का वाल्व खुला होना चाहिए क्योंकि हवा से इसे टेस्ट किया जाएगा। तो कंप्रेसर स्टार्ट हो चुका है दोस्तों। अब इसके जो तीनों गेजेस है प्रेशर गेजेस, सभी का वाल्व खोल दिया जाएगा ताकि प्रेशर दिखा सके इसमें। कंप्रेसर स्टार्ट हो चुका है, अब ऑयल पकड़ चुका है, कंप्रेसर उठा लिया है, ठीक है। तो प्रेशर गेज की वाल्व को खोला जाएगा, खोलकर ऐसे कहें कि ऑयल प्रेशर बढ़ रहा है। तीनों गेजेस के वाल्व को खोल लेते हैं। एक खोला जा चुका है, देखते हैं कि ऑयल प्रेशर आ चुका है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर ऑयल प्रेशर यहाँ आ चुका है। थर्ड नंबर गेज है, तो ऑयल उठा लिया है कंप्रेसर। अब देखते हैं कि हवा जो है, हवा उठा लिया है और हवा से चेक किया जा रहा है। अब ये है K66, KC3 हो गया, K64 हो गया और KC6 अब किया जा रहा है। अब KC6 का भी प्रेशर गेज खोल लेते हैं। देख सकते हैं कि कंप्रेसर स्टार्ट हो चुका है। आज दोस्तों इसका टेस्टिंग है। अब हवा जो है, ये हवा से टेस्ट हो रहा है। तो ऑयल प्रेशर जो है ये आ चुका है कंप्रेसर का। अब ये बिल्कुल ही कंप्लीट हो चुका है और वर्किंग कंडीशन में आ चुका है तीनों कंप्रेसर। देख सकते हैं दोस्तों कि कंडेंसर बन गया है पूरी तरह और अभी प्लांट चालू हो गया है, ठीक है। और यहाँ जो खाली है, यहाँ जब चैम्बर बढ़ेगा तो यहाँ और कंडेंसर बनेगा। तो टोटल अभी 27 कंडेंसर है। और देख सकते हैं कि प्लांट अभी चल रहा है, प्लांट स्टार्ट हो चुका है, आपको दिखा देता हूँ, इसके अंदर भी दिखाता हूँ। तो यहाँ देख सकते हैं पानी है, तो ये प्लांट अभी चल रहा है, आपको मशीन रूम में भी ले जाकर दिखाता हूँ। और ये है पंप जो अभी चल रहा है और वहाँ जो है ऑयल सेपरेटर है। अब हम चलते हैं दोस्तों मशीन रूम के अंदर। तो आपको सुनाई दे रहा होगा कि कंप्रेसर जो है स्टार्ट हो चुका है, प्लांट जो है ये स्टार्ट हो चुका है। और ये है LPR सिस्टम, लिक्विड पंप रीसर्कुलेशन सिस्टम। तो अभी दोस्तों दो चैम्बर चल रहा है, तो यहाँ पर अभी K6
3 चल रहा है, 3 पिस्टन का, 3 सिलेंडर का। तो देख सकते हैं कि कैसे 3 चल रहा है अभी, तो इसके लिए काफ़ी है। लगभग 60,000 के आसपास आएगा दोनों चैम्बर मिलाकर। तो कैसे 3 चल रहा है अभी, और यहाँ पर प्रेशर गेजेस है, तो केसेस 3 अभी स्टार्ट हो चुका है और प्लांट वर्किंग पीरियड में आ चुका है और प्लांट चल रहा है। और यहाँ देख सकते हैं दोस्तों कि ये है पैनल बोर्ड और ये है CO2 वेंटिलेशन सिस्टम। यहाँ पर टेम्परेचर जो है 1 नंबर का 54 है और 2 नंबर का 53 है, तो इतना टेम्परेचर अभी है, ठीक है। तो ये है इलेक्ट्रिक पैनल बोर्ड, और इसमें दोस्तों इसके जो इवेपोरेटर के जो फैंस है, फैंस के साथ में VFD लगा हुआ है, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव। दोस्तों देख सकते हैं कि ये है रिसीवर, तो रिसीवर का डायमीटर 36 इंची है, लगभग 3 फीट, और इसका अभी प्रेशर जो है ये 150 PSI के आसपास है, तो काफ़ी लो है अभी। और यहाँ ये है रिफ्लेक्स गेज, तो इसमें देखते हैं कि लिक्विड कितना है। तो देख सकते हैं कि यहाँ पर ये लिक्विड है, तो यहाँ से यहाँ तक इसका लेवल आएगा, जैसे जैसे इसका ज़रूरत पड़ेगा और लिक्विड को चार्ज किया जाएगा इसमें। तो दोस्तों हम आ चुके हैं चैम्बर के अंदर में, आपको सुनाई दे रहा होगा, और काफ़ी शोरगुल हो रहा है अंदर। हम दूजी फ्लोर पे हैं अभी, 2 नंबर चैम्बर में दूजी फ्लोर पर, और ये है कन्वेयर। तो यहाँ माल लोड करने के लिए कन्वेयर भी लगा हुआ है, देख सकते हैं कि माल यहाँ पर कुछ लोड हुआ है दूजी फ्लोर पर। तो ये दूजी फ्लोर है, तो दूजी फ्लोर में अभी माल थोड़े सा लगा है। अब हम इसके ऊपर चलते हैं, 3rd फ्लोर में चलते हैं, यानी 3rd फ्लोर में। तो हम दोस्तों देख सकते हैं कि 3rd फ्लोर पे भी हम आ चुके हैं, और यहाँ देख सकते हैं कि काम कितनी सफाई से हुआ है, और साइड में जो इंसुलेशन है कंप्लीट हो चुका है, और पूरी तरह सफाई से यहाँ पर काम हुआ है, और अंदर भी माल यहाँ पर नहीं लगा है, अभी नीचे नीचे माल लग रहा है, और यहाँ पूरी तरह खाली अभी है, देख सकते हैं, और पूरी तरह क्लीन दिखाई दे रहा होगा आपको। अब हम चलते हैं इसके ऊपर, यानी टॉप फ्लोर पे, 5th फ्लोर पे हम चलेंगे। वैसे तो ये 6 हो गया, लेकिन एक 0 है, इसलिए ये 5th फ्लोर मैं बोल रहा हूँ आपको। तो यहाँ देख सकते हैं दोस्तों कि काफ़ी शोरगुल हो रहा है, और ये यहाँ का काम पूरी तरह कंप्लीट हो चुका है, और देख सकते हैं कि इवेपोरेटर है, ये चल रहे हैं, और काफ़ी हवा आ रहा है हमारे तरफ, तो ये काफ़ी शोरगुल हो रहा है यहाँ पर। और अंदर का काम पूरी तरह सफाई से कंप्लीट हो चुका है, और यहाँ देख सकते हैं कि ये है कन्वेयर, तो यहाँ पर इसका मोटर लगा हुआ है, और यहाँ से इसके ज़रिए यहाँ पर माल लोड होगा, और यहाँ इंसुलेशन का काम जो है अंदर थर्मो को लगाकर
बाहर चादर लगाया गया है और वहाँ पर तीसरे नंबर का दरवाजा है और ये इवेपोरेटर यहाँ पर तीनों चल रहे हैं और काफ़ी शोरगुल हो रहा है, बहुत हवा आ रहा है यहाँ पर। तो ये जो है ये थर्ड चैम्बर का है और ये जो बाहर का खिड़की है और वहाँ जो दिख रहा है ये फर्स्ट नंबर का खिड़की है, ठीक है। वहाँ से हम चलेंगे फर्स्ट नंबर चैम्बर में, अभी हम दूसरे नंबर चैम्बर में हैं और टॉप फ्लोर पे, तो हम चलते हैं यहाँ से फर्स्ट चैम्बर में। तो दोस्तों देख सकते हैं कि इसमें माल काफ़ी लोड हो चुका है, यहाँ पर माल लोड हो चुका है, थोड़ा सा यहाँ पर बाकी है और ऊपर का काम भी कंप्लीट हो चुका है और इसका ठंडा भी लगभग यहाँ पर हो रहा है और ऑपरेटर चल रहे हैं, काफ़ी शोरगुल हो रहा है यहाँ पर और पूरे माल यहाँ पर लग चुका है, ऊपर का भी काम हो चुका है और पूरी तरह सफाई से काम हुआ है। ये है बाहर का खिड़की और ऑपरेटर का जो कनेक्शन है उसका इंस्टॉलेशन नहीं हुआ है अभी। अब हम चलते हैं दूसरे नंबर चैम्बर में। तो यहाँ देख सकते हैं दोस्तों कि हम दूसरे नंबर चैम्बर में अभी है, पहले इसे हम खिड़की को बंद कर लेते हैं। अब दोस्तों देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ ठंडक हो चुका है, यहाँ ठंडा लग रहा है और काफ़ी हवा आ रहा है क्योंकि ये सामने हवा दे रहा है, तो काफ़ी हवा आ रहा है और यहाँ काफ़ी शोरगुल हो रहा है। और नीचे का काम देख सकते हैं क्रेट का, क्रेट का काम भी अच्छी तरह हुआ है, पूरी सफाई से हुआ है काम और अंदर पूरी तरह एकदम क्लीनेस है, ठीक है दोस्तों। तो हम चलते हैं इसके नीचे के फ्लोर पे जहाँ पर चौथी फ्लोर होगा, तो हम आ गए हैं चौथी फ्लोर पे और यहाँ पर कुछ कुछ माल लगा है, देख सकते हैं कि ये इंसुलेशन करके इसके ऊपर से सीट लगा हुआ है ताकि चूहे अंदर ना जाए और ये काफ़ी सफाई हो से काम हुआ है और ये काफ़ी साफ दिख रहा है, तो ये अच्छा है काफ़ी दोस्तों। बहुत से जगह पर प्लास्टर कर दिया जाता है तो यहाँ पर सीट लगा हुआ है। अब हम चलते हैं दूसरी फ्लोर पे, देख सकते हैं दोस्तों कि वहाँ पर माल लोड हो रहा है, तो प्लेन में माल लोड हो रहा है, तो मैं आपको दिखाना नहीं चाहता था बंदों को इसलिए मैं ऊपर से शुरू किया था। अब हम दोस्तों इस वीडियो को हम ख़त्म करते हैं यहीं पर। दोस्तों हम लोगों का एक ग्रुप है जिसमें बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर इंसुलेशन चैम्बर में जो लोहे का काम होता है, जो बीम और पिलर के लिए, उसके लिए कॉन्ट्रैक्टर, इलेक्ट्रिक पैनल बोर्ड के लिए, शेड के लिए कॉन्ट्रैक्टर और इरेक्शन के काम करने के लिए यानी फिटिंग का काम करने के लिए, ये सभी कॉन्ट्रैक्टर्स हमारे ग्रुप में शामिल हैं। अगर आपको भी कोल्ड स्टोरेज स्थापित करवाना है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अगर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आया, चूँकि दोस्तों हम लोगों ने कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नंबर YouTube पर शेयर नहीं किया है अभी तक, लेकिन इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में अगर कमेंट ज़्यादा आएगा कोल्ड स्टोरेज बनवाने से रिलेटेड, तो हो सकता है कि हम एक ईमेल और एक कॉन्ट्रैक्ट नंबर YouTube पर शेयर कर दें, तो आप इजीली संपर्क कर सकते हैं हमसे। और अगर आपको कोल्ड स्टोरेज बनवाना है तो इन कॉन्ट्रैक्टर से संपर्क कर सकते हैं। चूँकि आपने दोस्तों देखा कि इस तरह का काम मैंने कई वीडियो में दिखाया है आपको, काफ़ी अच्छा काम होता है और बिल्कुल क्लीननेस होता है, तो अगर आपको भी कोल्ड स्टोरेज स्थापित करवाना है तो नीचे वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अगर ज़्यादा कमेंट आया तो ऑफिशियली हम लोग ईमेल और एक कॉन्टेक्ट नंबर शेयर कर देंगे जिसे आप संपर्क कर सकते हैं इजीली। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।